म्यूट करते हो बेटा बार बार, अभी वापस आई एम म्यूटिंग यू, डोंट अनम्यूट अनलेस आई आस्क यू. चलो सो कौन सा ऑपोजिट करने वाले हैं आज हम, टॉल एंड शॉर्ट. टॉल एंड शॉर्ट राइट. तो हम देखेंगे एक स्लाइड, हम पीपीटी देखेंगे और फिर हम मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगी. ठीक है चलो. टॉल एंड शॉर्ट. सो द बॉय इज टॉल एंड द गर्ल इज शॉर्ट. टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. ओके सो द बॉय इज टॉलर देन द गर्ल. द बॉय इज टॉल, द गर्ल इज शॉर्ट. देन नेक्स्ट इज एलिफेंट एंड रैबिट. सो एलिफेंट इज टॉल एंड रैबिट इज स्मॉल. एलिफेंट इज टॉल एंड रैबिट इज स्मॉल. देन वी हैव ट्री एंड अ प्लांट. द ट्री इज टॉल. ट्री कैसा है? ट्री टॉल है. एंड प्लांट कैसा है? प्लांट इज शॉर्ट. ट्री इज टॉल, प्लांट इज शॉर्ट. देन वी हैव क्लॉक. तो जो फर्स्ट वाली क्लॉक है वो बहुत ऊपर है, टॉल है राइट. एंड द सेकेंड क्लॉक इज मोर शॉर्ट. जिराफ इज टॉल एंड वो बाजू में कौन है जिराफ के? टाइगर. टाइगर इज शॉर्ट. जिराफ इज टॉल, टाइगर इज शॉर्ट. जिराफ इज टॉल, टाइगर इज शॉर्ट. एंड देन वी हैव लैडर. तो जो फर्स्ट वाली लैडर है वो टॉल है एंड द सेकेंड वन इज शॉर्ट. फर्स्ट वाली लैडर जो है वो टॉल है, सेकेंड वन इज शॉर्ट. ओके सो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स. ओके सो आई हैव टू पेंसिल कलर्स. टू पेंसिल कलर्स है मेरे पास. ओके सो विच वन इज टॉल? ब्लू के ब्लैक. विच पेंसिल कलर इज टॉल? ब्लू. यस ब्लू वन इज टॉल. वेरी गुड. देन आई हैव स्केच पेन. One is purple and other is green. Which one is short? Short wali kaun si hai? Green. Green one is short. Very good. Phir ye hai khilona, toy hai. To long one kaun sa hai? Orange wala ki red wala? Tall one kaun sa hai? Then I have this bottle. Ek hai dark green, ek hai light green. Which one is Short is light green. Yes, very good. So now you all got it with what is tall and what is short. So now you can kick out your Blossom course book. Blossom ki course book open karo. Blossom course book bada hai. Blossom course book. Page number 51. Blossom course book, page number 51. Blossom course book, page number 51. Write today's date. Aaj ki date likho. 17-2-22. Return date. Come on. Now what we have to do? We have to take the objects that are tall and cross the objects that are short. So here we have to compare two things.
So first we will compare tree and plant. So which one is tall, tree or plant? 51. Which one is tall, tree or plant? Tree. Tree. So ye wale circle mein we will put trick and plant ke paas jo circle hai wahan pe we will put cross. Okay. Next is giraffe and fox. Giraffe and fox. So which one is tall, giraffe or fox? Giraffe. So we will tick on giraffe and put cross on fox. Fir yahan pe hai ek lady and man. Lady hai aur man hai. So who is tall, lady or man? सर्कल पे टिक करेंगे एंड मैन के पास जो सर्कल है वहां पे क्रॉस करेंगे. देन वी हैव लैडर, वन इज टॉल एंड वन इज शॉर्ट. तो जो ये रेड वाली जो है ना दैट इज लॉन्ग, सो वी विल पुट टिक. एंड येलो ऑरेंज में जो है दैट इज शॉर्ट, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे. Done. Okay, you can show me on the screen. Ek minute. Wo wahan ja raha tha. Cab seller pass me jo village hai wo wahan ja raha tha. Kaise ja raha tha? By walk. Chal ke ja raha tha. और उसे क्या क्रॉस करना था? He has to pass by forest. ठीक है? Put your finger. It was a very sunny day, so he decided to lie down under a tree and take rest for some time till the sun sets down. मतलब इट वॉज अ वेरी सनी डे, मतलब कैसी धूप वाला दिन है. अभी बाहर कैसा है? इट्स अ सनी डे, राइट. अभी हमारे बाहर जो है वो कैसा है? धूप है, राइट. इट्स अ सनी डे. तो वैसे ही एक डे में वो निकला था और तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं ट्री के नीचे लेट जाता हूँ थोड़ी देर और जब सनसेट हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा. ओके तो लाई मतलब लेटना. टेक रेस्ट मतलब आराम करना. रेस्ट मतलब आराम करना. लिसन टू ऑल द वर्ड्स. ओके रेस्ट मतलब आराम करना. एज ही वॉज वेरी टायर्ड ही स्लेप्ट क्विकली. टायर्ड मतलब थक जाना. टायर्ड मतलब थक जाना. वो कैब सेलर बहुत थक गया था तो वो जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से वो सो गया. वो आराम ही करने वाला था बट उसको नींद आ गई, मतलब he slept. When he was sleeping, a group of monkeys came down the tree and pulled the cab seller's bag. When he was sleeping मतलब सोना. जब वो सो रहा था, sleeping मतलब सोना. जब वो सो रहा था तो ग्रुप ऑफ मंकीज, नॉर्मली हम देखते हैं सैटरडे को मंकीज आते हैं ना हमारे घर के आसपास, तो एक या दो मंकी नहीं होता है, वो कैसे होता है? ग्रुप ऑफ मंकी मतलब झुंड होता है मंकीज का. ठीक है, तो ग्रुप मतलब बहुत सारे इकट्ठे होके. ग्रुप मतलब बहुत सारे इकट्ठे होके. तो ग्रुप ऑफ मंकीज केम डाउन द ट्री, ट्री के नीचे आए और कैप्सेलर के पास में जो उसकी बैग पड़ी थी ना उसे खींच के, पुल्ड मतलब खींच के वो ट्री पे चले गए. दे ओपन द बैग, उन्होंने ओपन की बैग एंड फाउंड कलरफुल कैप इनसाइड इट. ओके बैग उनसे ले ली, वो कैप सेलर से उसकी बैग ले ली और फिर जब उन्होंने ओपन किया तो उसमें क्या था? कलरफुल कैप्स थे. कलरफुल मतलब रंग बिरंगे. ठीक है, द मंकीज पिक्ड up the caps and climbed back up the trees. Monkey ने क्या किया? Pick मतलब उठाना.
पिक मतलब उठाना, कैप सारी उठाई एक एक और वो लेके वो कहाँ चले गए, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, क्लाइम्ड अप द ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ गए, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, पिक मतलब उठाना। द कैप सेलर वोक अप, वोक अप मतलब उठ गया। द कैप सेलर वोक अप आफ्टर सम टाइम एंड वाज शॉक्ड, शॉक मतलब झटका लगा उसको, टू फाइंड हिज ओपन बैग एंड द मंकीज ऑल हैविंग हिज कैप। वो उठा, वोक अप मतलब उठा, तो उसने क्या देखा कि उसे झटका लगा, अरे कहाँ गई मेरी कैप, बैग ओपन है, और ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि सारे मंकीज ने उसकी कैप पहन के रखी हुई थी। द कैप सेलर बिकेम वेरी एंग्री, कैप सेलर क्या हो गया, एंग्री मतलब गुस्सा हो गया। आप जब मस्ती करते हो तो कौन एंग्री होता है, हु बिकम एंग्री जब आप मस्ती करते हो तो, बताओ बताओ, मम्मा एंग्री हो जाती है ना, तो उसी तरह कैप सेलर भी एंग्री हो गया। फिर ही शाउटेड एट द मंकीज ऑन द ट्री, और वो शाउटेड मतलब चिल्लाने लगा, है ना, मम्मी भी आप पे चिल्लाती है ना, आप मस्ती करते हो, बहुत ज्यादा मस्ती हो जाती है तो मम्मा भी शाउट करती है ना, तो अब क्या करोगे आप, एक तो मम्मा को एंग्री नहीं करोगे, और एंग्री कर भी लिया ना तो आप मम्मा को बोलना, मम्मा एंग्री मत हो, गुस्सा मत करो, नहीं कहना, क्या कहना है, मम्मा एंग्री मत हो, है ना, तो एंग्री मतलब गुस्सा, शाउटेड मतलब चिल्लाना। तो कैप सेलर भी मंकीज पे शाउट करने लगा, द मंकीज शाउटेड बैक एट हिम। तो मंकीज क्या करते हैं, हमारे इमिटेट करता है, हमें इमिटेट करते हैं, तो मंकीज ने जैसे कैप सेलर ने शाउट किया तो मंकी भी अपनी आवाज में कैप सेलर पे शाउट करने लगा, आवाज ही करने लगा जोर जोर से। दिस मेड द कैप सेलर मोर एंग्री, ये देख के कैप सेलर और भी गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। He picked a few stones from the ground and threw them at the monkeys. उसे क्या किया, पिक करना मतलब, मैम ने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना, पिक करना मतलब उठाना, पिक करना मतलब उठाना, हाँ, तो उसने थोड़े stones जो ground पे मतलब जमीन पे पड़े थे, stones छोटे छोटे, वो उठाए, और threw मतलब फेंकना, threw मतलब फेंकना, कहाँ फेंके, monkeys के ऊपर। This time the monkeys threw the fruits they had in their hands at the cap seller. Monkeys के हाथों में क्या था, monkeys के हाथों में fruits थे, तो monkey ने क्या किया, monkeys ने क्या किया, उन्होंने वो fruits फेंके किसके ऊपर, cap seller के ऊपर। The cap seller was surprised by this behavior of the monkeys. ये देखकर cap seller आश्चर्य हो गया, उसे सरप्राइज हो गया, अरे ये मंकी क्या कर रहे हैं, उनका बिहेवियर मतलब किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। He thought for a while. फिर उसने सोचा कि ये मंकी है ना, जो मैं कर रहा हूँ ना, वो सेम चीजें वो कर रहा है। तो उसने क्या किया, इस बार, this time, he removed off the cap he was wearing and threw it on the ground. This time मतलब इस बार उसने क्या किया, उसने जो कैप पहनी थी ना उसको रिमूव्ड मतलब निकाल दी, रिमूव्ड मतलब निकाल दी जो उसने पहनी थी, और उसने वो ग्राउंड पे फेंकी, ठीक है, जमीन पे फेंकी। द मंकीज दैट वर वॉचिंग हिम ऑल्सो डिड द सेम, मंकीज जो उसे देख रहे थे ना और उसकी कॉपी कर रहे थे, तो मंकीज ने भी वही किया, उन्होंने ऐसे टोपी रिमूव की और नीचे फेंक दी। They threw all the caps on the ground. सारे caps नीचे फेंक दी। The clever cap seller collected all the caps. Collected मतलब इकट्ठी करना। Collected मतलब इकट्ठी करना। जो भी monkeys ने सारी caps नीचे डाल दी ना, वो सारी इकट्ठी करी। Collected the cap, all the caps, packed them back in his bag. उस सारी caps को bag में वापस pack किया and moved away from that place. फिर वहां से वो चला गया। So what is the moral? Clever thinking can easily solve a problem. अगर आप शांति से, अच्छे से, समझदारी से सोचोगे ना, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता ही है, राइट? अब हम देखेंगे इसके हार्ड वर्ड्स, जो वर्ड्स है ना,
वो हम वापस से डिस्कस करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. लाई मतलब लाई मतलब लेट जाना. जैसे अभी नुपुर है, नुपुर इज लाइंग ऑन द बेंच ऑन द टेबल, है ना. फिर रेस्ट मतलब आराम करना. क्विकली मतलब जल्दी जल्दी. क्विकली मतलब जल्दी जल्दी. स्लीपिंग मतलब सोना. ग्रुप मतलब पूरा एक झुंड, उसे ग्रुप कहते हैं. कलरफुल मतलब रंग बिरंगी. पिक्ड, पिक्ड मतलब उठाना. पिक्ड मतलब उठाना. क्लाइंब मतलब चढ़ना. क्लाइंब मतलब चढ़ना. शॉक, शॉक मतलब झटका लगना. शॉक मतलब झटका लगना. एंग्री मतलब गुस्सा करना. एंग्री मतलब गुस्सा. शाउट मतलब चिल्लाना. शाउट मतलब चिल्लाना. ग्राउंड मतलब जमीन. ग्राउंड मतलब जमीन. फिर सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना. सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना. एंड कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना. कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हमने सीखे आज. तो आप लोग क्या करोगे, आपके पापा जब आएंगे ना ऑफिस से वापस, तो आप ये वाली स्टोरी उनको दोगे और फिर पापा को क्या पूछोगे, पापा आप इसमें से मुझे, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, आप रीड करो और उसमें से मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी, ठीक है. तो आप इसमें से अगर 5 मीनिंग्स भी बता पाओगे ना, तो दैट विल बी वेरी गुड. ओके, तो विद दिस द स्टोरी एंड्स हियर. अब हम हमारी पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी देखेंगे. So what is our parents involvement activity? Today we have to do the activity in our scrapbook. Scrapbook mein ye activity karni hai, that is hand print butterfly. Hand print butterfly karna hai hame in this book. To kya karoge? You will take a blank page first. Theek hai? Upar heading lagaoge hand print butterfly. ऊपर हेडिंग करोगे हैंड प्रिंट बटरफ्लाई. आज की डेट और क्या करना है आपको, आपके जो हैंड है ना, पूरा जो पाम है ना, वो पूरा आप कलर वाटर कलर यहाँ पे लगाओगे, ठीक है. आप कलरफुल बटरफ्लाई भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लू ग्रीन येलो रेड, ऐसे भी ऐसे आप पेंट कर दो विथ वाटर कलर. और फिर आपको इस तरह से ऐसे हाथ करके बुक पे आपको रखना है, ऐसे हाथ करके, ठीक है, ऐसे हाथ करके बुक पे आपको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है ताकि बटरफ्लाई के विंग्स बन जाए. ये हाथ हमारे क्या है, हम बटरफ्लाई के विंग्स बनाना वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. ओके, पर उसके पहले पेरेंट्स क्या करेंगे, ये जो बॉडी है ना बटरफ्लाई की और ये फिलर, वो आप बना लेना, ठीक है. बटरफ्लाई की बॉडी एंड फिलर आप बना देना, ठीक है. और उसके बाद अच्छे से बच्चों के हैंड को ऐसे उनका इम्प्रेशन लेना है. ओके, अच्छे से प्रेस करना और फिर हमारा हैंड प्रिंट बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा. ओके, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल पेज लेना, उसके ऊपर पूरी एक्टिविटी करना और फिर फोटोज आपको शेयर करना है विथ सेंटरिंग. ओके, इज इट क्लियर? हाँ बेटा, कर लिया आपने? यस. एक मिनट. ओके, इस तरह से भी चलेगा, पर बेटा यू हैव टू डू इट इन अवर क्राफ्ट बुक, स्क्रैप बुक में.